एक बात याद रखो, बाहर ना तो गुरु कोई हुआ है और ना कोई होना है, वो गुरु इसके अंदर है। संतों ने उस गुरु को देखा है, दर्शन किए हैं, और किसी ने भी उस गुरु के दर्शन नहीं किए। गुरु नानक साहब को हम गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। क्या कहते हैं? कहो नानक हम नीच कर्मा। उनसे पूछा, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? उन्होंने लिखा है, शब्द गुरु सुरती दुन चेला। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। कबीर साहब ने अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं? कबीर हम सबते बुरा, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मी तुम्हारा सोए। उन्होंने तो अपनी अस्थि मिटा के रखी है। उन्होंने लिखा, शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटमार। वो शब्द वही गुरु है, बाहरले गुरुओं को तो ल्याव ल्याव लगी पड़ी है। वो कहते मेरा काम चले, वो कहते मेरा काम चले, भाई मेरे चले घटना हो जाए। गुरु गोविंद सिंह लिखा, एक एक ही सेव सभी को गुरुदेव, एक एक ही स्वरूप एक जो जानवो, जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है। गुरु नानक साहब कंधार गए, वहाँ यार अली फकीर मिला। उसने पूछा, पीरेशमा कदाम अस्त, तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, पीरे माँ जिंदा पीर अस्त, के मेरा गुरु जिंदा गुरु है। क्या जिंदा गुरु पर तो इतबार नहीं? क्यों? जो पैदा हुआ है उसने जरूर मरना है। तो कुरान साहब का एक खुदाए पीरस्त की दायम जिंदा ओस्त, कुल आलम मुरीदो ओस्त। एक खुदा ही है जो सबका गुरु है, जो हमेशा जिंदा है, सत ताकत है, उसके बिना और कौन गुरु हो सकता है? मस्ताना जी गए टोहाने, वहां सत्संग किया। सत्संग के बाद बागड़ से संगत आई थी, उनसे मिले। मस्ताना जी कहने लगे, भाई तुम आपस में मिलते हो तो तुम क्या बोलते हो? कह जी हम बोलते हैं जय राम जी की। कह तुम बोलिया करो जय जिंदा राम की। वो पूछेंगे, भाई जय जिंदा राम क्या होता है? राम आया गया, कृष्ण आया गया, वो जिंदा राम वो इसके साथ है। रोज पढ़ते हैं, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे आसमाए, वो सब के अंदर है। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? बार ले गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले गुरु ने उसने छुड़ाना है। वाणी में साफ लिखा है, कह सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुर डिठा जाई। अब बारले गुरुओं के दर्शन कर ले, ओ सारा कुछ मिल जाएगा। ये गुरु अमरदास जी के वचन है, वो तो झूठ नहीं बोलते। गुरु साहब ने लिखा, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन बैठे तो पाप सब नासी, हर्षुन दे मिलाई। बारले गुरुओं के दर्शन कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कबीर साहब ने लिखा, कबीर दुनिया देव रे शीश निवावन जाए, घर माही गुरु बसे ताशु लिव लाए। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं। बोलो भाई किसी ने गुरु के दर्शन किए? वो गुरु इसके अंदर है, फिरता बाहर है। वो गुरु इसके अंदर है, सिमरन मारा के सहज का सतगुरु दिया बताए, स्वां स्वां सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, वो गुरु इसके अंदर मिलेगा। जो उसके दर्शन कर ले तो फिर सारा कुछ ही है। वाणी में लिखा है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, उन तो अंदर देख के तसल्ली करके उन्हें फिर लिखा है। हाँ जी।
दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कराम होवे प्रभ मेरा। मस्तान जी कहा करते थे कि तन तन सतगुरु, उस अंदर वाले गुरु का उसी का तन है, हाजर नजर जिंदा राम। वो अंदर हाजर है, वो नजर आता है, तो हमें तो नजर नहीं आता, हम तो सुनी सुनाई कहते हैं। उस गुरु को अंदर प्रत्यक्ष करना है, वो इसके साथ है। हम संतों के पास जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनकी गरज करते हैं। क्यों करते हैं भाई? हमें सुख मिले, शांति मिले, जन्म मरण के बंधन छूट जाए, हम वाले के घर पहुंच जाए, हमें कोई दुख ना रहे। अमृतसर का एक प्रेमी था, उसको पूरा फकीर मिला था। वो अभ्यास करता था, दक्षिण में वो नांदेड़ चला गया। शाम के टाइम गाड़ी से उतरा, उसके साथ एक बुजुर्ग था। अब रास्ता भूल गए, आगे भारी जंगल आ गया। अब वो बेचारा बुजुर्ग डरने लगा, अभी आज कोई शेर वगैरह खा जाएगा। तो वो प्रेमी था, जिसको पूरा फकीर मिला था, अभ्यास करता था, वो प्लाथी मार के बैठ गया। अंदर ख्याल को जोड़ा, अंदर ही सतगुरु ने दर्शन दिए कि भाई तुम इस तरह कर, दाएं हाथ की तरफ 1.5 किलोमीटर चल, वहां पगडंडी आएगी, उस पगडंडी पर चलना, आगे गांव आएगा, रात को गांव में रहना, सुबह गुरुद्वारे पहुंच जाना। उसने उसी तरह किया, उठ के दाएं हाथ की तरफ 1.5 किलोमीटर चला, पगडंडी आ गई, पगडंडी पर चला, आगे गांव आ गया, रात को गांव में रहा, सुबह गुरुद्वारे पहुंच गया। है ना सच्चा साथी, करता है ना संभाल है। बस हमने यही कोर्स करना है, उस गुरु को अंदर प्रकट करना है। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास आया करते थे। एक बार साथ में संगत थी, किसी जंगल में रात को ठहर गए। संगत सो गई, मस्ताना जी ब्यास में बैठ गए। अंदर ये सतगुरु ने दर्शन दिए कि मस्ताना यहाँ से निकल चलो, यहाँ डाकू रहते हैं। मस्ताना जी आगे गए संगत को लेके, तो डाकू सामने आ गए। डाकू ने कहा मेवे पेश किए। मस्ताना जी कहने लगे भाई तुम्हारे से मेवे क्यों लें? कह जी हमने आपका सामान बांध लिया था, पर हम सामान ले जा नहीं सके। अब करता है ना संभाल है, बस उसको प्रत्यक्ष कर ले फिर सारा कुछ हो जाता है। ये इंसानी जमा इसी वास्ते मिला है भाई, प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। ये मालिक के मिलने का मौका है। अवर काज तेरे किते न काम, चाहे कितना ही कर ले, कोठियां बना ले, कारें खरीद ले, कारखाने लगा ले, कितना ही कुछ कर ले, शांति नहीं है। दुनिया ने कितनी तरक्की, साइंस ने कितनी तरक्की की है, चांद सितारों तक पहुंच गए। बोलो भाई कोई है किसी को है शांति, किसी को है सुख? यहाँ सारे दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। पपिया जाए पुकारे ओ पंछी ना गिरो, तीन लोग फिर आए हूँ बिन दुख लिखियो न कोई। कबीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे, जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। कबीर ने लिखा है सिमण से सुख होता है, सिमण से दुख जाए, सिमण किए साई माए समाए। सिमण करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, उस गुरु को प्रकट करोगे, फिर शांति है। हाँ जी, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कराम होवे प्रभ मेरा। वाणी में लिखा है चैन वर्णी छाया माया, नानक शब्द पछाणे। शब्द का मतलब अखर नहीं है, वो सत ताकत है, जिसने धरती बनाई है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो गुट अच्छे। ईसा ने उसको कहा है वर्ड। मुसलमान कहते हैं कलमा, शुरू में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने ही सब कुछ बनाया है। गुरु अर्जन साहब ने कहा है सच, सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है। सच करता, करता क्या, उसने सृष्टि की रचना की है। सच करण हार है, वो हर तरह से समर्थ है,
समर्थ कैसे है? कहीं उसने पहाड़ बनाए हैं। बोलो पहाड़ बनाए कैसे हैं? कोई मजदूर लगे दिखाई नहीं देते। ये पहाड़ वो ले आया कहाँ से है? कहीं समुद्र बनाए। ये 84 लाख जी अर्जुन उसने बनाई है। सूर्य चांद तारे बनाए हैं। गुरु साहब कहते हैं करोड़ ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए। सच करता सच करण हार वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी का टेक रखो। वो कैसे रखे हैं? ना तो उसको देखा है, वो पता नहीं रहता कहाँ है, उसको मिलने का तरीका क्या है हमें तो कोई पता नहीं है। अब लड़का है, किसी लड़की से प्यार करता है, लड़की को देखा नहीं प्यार कैसे आएगा? तो मालिक को देखा नहीं उसे प्यार कैसे आए? इंसान को ये जानवर देवी देवता नहीं समझा सकते, इंसान को इंसान ही समझा सकता है। तो वो मालिक हमें निकालना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, तो क्या करता है? वो इंसानी जामे में आप ही आता है, या वो आप आए या अपने संतों को भेजे या संतों को यहाँ तैयार करे। जैसे गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए, उनके पीछे दसों पातशाह यहाँ आई, या यहाँ वो तैयार करे। मालिक की दरिया में जो भी जाएगा संतों के जरिए जाएगा। राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। जिस वस्तु को लेन तू आया राम नाम संतन कर पाया। ये पलटू साहब ने कहा कि संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम ये अक्षर नहीं है, वो ताकत है। नाम के दारे चकले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मण, नाम के दारे गा अस्पताल, नाम के दारे पुरिया सब पवन। नाम कहो, शब्द कहो, कलमा कहो, वर्ड कहो, एक ही चीज के नाम है। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत। नाम से वही मिलावे, वो है वाकवकार, मिलन की राह बतावे। जाप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठना हुई। हमने अमेरिका जाना है तो क्या करेंगे? अमेरिका के एजेंट से मिलेंगे, पासपोर्ट बनाएंगे और फिर जा सकते हैं। अब जो एजेंट नकली मिल जाए तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, अमेरिका नहीं जा सकेंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे और लोग हंसाई भी होगी। तो मालिक की दरगाह में मालिक कहाँ रहता है? त्रिलोक किसे पार चौथे लोक में रहता है। कहो कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। ये तुलसी साहब ने कहा सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सत पुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। वो त्रिलोक किसे पार चौथे लोक में रहता है, त्रिलोक तक काल का दायरा है। हम कहते हैं मालिक सारे ही है, फिर कहते हैं त्रिलोक किसे पार चौथे लोक में रहता है, इसका मतलब क्या है? ये इस तरह है जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, इसको चलाने के लिए दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर की एक स्टेट की। हिंदुस्तान तो सारे ही है, पर यहाँ पंजाब के अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का हुक्म चलता है। इस तरह मालिक तो सारे ही है, पर त्रिलोकी तक काल का हुक्म चलता है। हम सारे काल की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है, आप ही हम सबको यहाँ फंसाया है और आप ही निकालने के लिए आता है। कैसे फंसाया है? काल अकाल खसम का कीना एक पचपन बतावन, खंड पाताल दीप सब लोहा, काले वश आप प्रभ किया। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है अल्लाह तो त्रिलोक की रौनक रूहों की वजह से है। काल चाहता है मेरे देश की रौनक खत्म ना हो, वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। उसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, ये हमको भरमाता रहता है, भटकाता रहता है। कभी देशों के झगड़े, कभी कौमों के झगड़े, कभी औरत का प्यार, कभी बाल बच्चों की मोहब्बत, ये इन्हीं में लिए फिरता है। एक फकीर ने लिखा है कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। भाई मेरे मंदिर में जोत जगे, ये ज्योति का सकल उजारा देख कर तिमर बगे। गुणान साहब के अंतर ज्योत बली जग जीवन, सब गठ पोगे हर रस पीवन। और राम नाम की जोत सबके अंदर है। हम तो आंख मीचते हैं तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, हमें तो कोई ज्योत देखी नहीं है। ये ज्योत बुझाई किसने है? ये मन ने बुझाई है, मन ने ज्ञान बुझाया दीप। कर्म लग्या भरमत फिर मिलन अपना पीव, दौड़ दौड़ रस और हो रहा कंगाल, ना तेरा गे बूप था ऊंचा बड़ा दयाल।
ये बल्ब जलता है, इसके ऊपर टाट लपेट दो लाइट गुम हो जाएगी, रेशमी कपड़ा लपेट दो लाइट गुम हो जाएगी। तो ज्योत सबके अंदर है, अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पर्दे हैं। हम ये अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्मों का फल क्या है, स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर 84 त्यार है। बुरे कर्म करेंगे, नरकों में चले जाएंगे, नरकों के दुख भोगे फिर 84 त्यार है। कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए या मृत मंडल में आ जाएंगे। बोलो, अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है। वो ज्योत बुझी पड़ी है, मन ने बुझाई है, मन ने ज्ञान बुझाया, दीप कर्म लग्या बरमत फिर मिलन अपना पेव, दौड़ दौड़स और होए रा कंगाल। जितने विषय भोगते हैं उतने दुख खड़े हो जाते हैं। वो स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सो अंत बिगोवे। आज कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है शुगर है, कोई कहता है हार्ट की बीमारी है, कोई गोडो में दर्द है, ये क्यों है? ये हम जितने विषय भोगे हैं उतनी बीमारियां खड़ी होगी, किसी को पता ही नहीं है। ये मन सबको भरमा के रखता है, विषय विकारों में उलझाए रखता है, कर्म जाल में फंसाए रखता है। और उस काल ने क्या किया है, ये 84 लाख ये जेल की कोठरियां हैं, हम सारे यहाँ जेली हैं। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में हो वहां सुखी रह सकता है? ये आत्मा सतपुरुष की अंश है, चौथे लोक की है, यहाँ काल के देश में जेल में पड़ी है। अपना ये लुधियाना शहर है, इसके अंदर भले आदमी भी है और बदमाश भी है। गवर्नमेंट है बदमाशों को क्या करती है, जेल में डाल देती है। ये शहर ये भी एक नगर है, इसके अंदर भले कौन, भले मानस कौन है, सील संतोष क्षमा धीरज विवेक दीनता और गरीबी। बदमाश कौन से हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता, हम सब बदमाशों के हाथ चढ़े हैं। कैसे औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, ये जमीने जदादे लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार के, और दुश्मन इसके क्रोध के, और हमसे जबरदस्ती करवाते हैं। हम तो चाहते हैं प्राय बीबियों की तरफ ना देखें, मन मल्लो मल्ली देखता है। अखबारों में रोज पढ़ते हैं कामियों का क्या हाल होता है, मुंह काला कर देते हैं, गधे पर चढ़ा देते हैं, जूतियों की माला डाल देते हैं, पर ये मन ढीठ है, देख के भी कोई परवाह नहीं करता। क्रोध भूत सर पर आवे, तन मन की सुध बिसरावे। आदमी के अंदर क्रोध आता है, अकल काम नहीं करती, किसी का कत्ल कर बैठता है। अब जिसने कोई मार सी सो भी मारन हार, जिसे कत्ल करेगा वो खुद कत्ल होना पड़ेगा। मीर दाद ने लिखा है, जो किसी की टांग तोड़ता है टांग तुड़वानी पड़ेगी, जो किसी का कत्ल करता है कत्ल होना पड़ेगा। अखबार में खबर आई कि किसी उग्रवादी ने 20 कत्ल कर दिए, मुझे मैंने ऐसा कहा 20 बार कत्ल होना पड़ेगा। कर्मों के जाल से कोई निकल नहीं सकता, चाहे आकाश में उड़ जाए चाहे समुद्र में चले जाए। ये क्रोध दुश्मन है, हमारे पीछे लगा है, इसने हमारी मिट्टी पीत कर दी। मोह कहता है बाल बच्चे पाल, इससे बड़ी कौन सी भक्ति है। अहंकार कहता मान बिड़ाई ले, लोभ कहता ये जग मिठा के किन ले हिसाब किताब होना है। रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि ये जूरिया कांड है, ये चारा घोटाला है, ये फलाना कौन कराता है। ये लोभ और अहंकार है, इन्होंने हमारी मिट्टी पीत कर दी। हम सारे इन लफंगों के हाथ चढ़े हैं। बाहर गवर्नमेंट है लखनऊ जिले में डाल देती है, तो मालिक क्या करता है, इसलिए मैं जिले में डाल रखे। ये 84 लाख ये जेल की कोठरियां हैं, सारे जेल ही बने बैठे हैं, तो निकले कैसे। चाहे हजारों जप कर ले, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर मेरा न पाई, बिन बुझे था न पाई, नाम बोने माथे चाई। जब तुम का फल है अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, त्रिलोक से पार नहीं निकल सकते। बिन बुझे संतों से बुझे बगैर मालिक घर जा नहीं सकता। ऐसे बुझे सो आप पछाणे, हर पर्व है तिस केड़ा, किससे बुझे हैं कि संतों से। हम मान लेते हैं बिन मालिक के घर जब भी जाएंगे संतों के जरिए जाएंगे। अब कितने संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गदियां चलती है, और पूरे संत का क्या पता लगे, पूरा संत हमारा काम बन जाएगा। ये बाहर के दलालों की लोड़ नहीं है, बाहर के मनादे की लोड़ नहीं है, वो मालिक सबके अंदर बैठा है। सच्चे दिल से पुकार करे वो उसकी सुनता है, उसको पूरा फकीर मिला देता है। जय मीरा को तड़प थी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, क्या दर्द था उसको,
बादशाही उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी, तो रविदास मिल गया। मन काबू में आ गया, काम क्रोध की अग्नि बुझ गई, अपने घर पहुंच गया। ये तरीका है। बुल्ला फकीर होया, 40 साल तक किताबों में मत्था मारता रहा। किसी ने कहा क्यों मत्था मारता है, शाह इनायत पूरा फकीर है, उसके पास जा। शाह इनायत के पास गया, उसने कलमा बताया, उसने मेहनत की, कलमे को अंदर प्रकट कर लिया, घर आ करके किताबों के ऊपर चार पैर रख के बैठ गया। अब शरीयत वाले लोग थे, सड़ने लगे, भाई इसने किताबों की बेद भी की है, कुरान शरीफ की बेद भी की, इसको दंड लगाओ। वो कहने लगे पहले मेरी बात का जवाब दो कि क्या, क्योंकि आदमी कहे आज चीज देता हूँ कल देता हूँ, देना उसको फिर क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या उसको जिंदा फूंक दो, क्या तुम्हारी किताबें जिंदा फूंकने के काबिल है? इन्होंने कुछ नहीं दिया, जो भी चीज मिली है शाह इनायत से मिली है, तो जब भी चीज मिलनी है संतों के जरिए मिलनी है। पर मिल बैको प्रीत मन लागी, पाए लगू करूं बेनती, कोई संत मिले बड़ पागी, संत जना मिल पाई हो सच्चा नाम। मन काबू में आ गया, काम क्रोध की अग्नि बुझ गई, अपने घर पहुंच गया। ये तरीका है। बुल्ला फकीर होया, 40 साल तक किताबों में मत्था मारता रहा। किसी ने कहा क्यों मत्था मारता है, शाह इनायत पूरा फकीर है, उसके पास जा। शाह इनायत के पास गया, उसने कलमा बताया, उसने मेहनत की, कलमे को अंदर प्रकट कर लिया, घर आ करके किताबों के ऊपर चार पैर रख के बैठ गया। अब शरीयत वाले लोग थे, सड़ने लगे, भाई इसने किताबों की बेद भी की है, कुरान शरीफ की बेद भी की, इसको दंड लगाओ। वो कहने लगे पहले मेरी बात का जवाब दो कि क्या, क्योंकि आदमी कहे आज चीज देता हूँ कल देता हूँ, देना उसको फिर क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या उसको जिंदा फूंक दो, क्या तुम्हारी किताबें जिंदा फूकने के काबिल है? इन्होंने कुछ नहीं दिया, जो भी चीज मिली है शाह इनायत से मिली है, तो जब भी चीज मिलनी है संतों के जरिए मिलनी है। पर मिल बैको प्रीत मन लागी, पाए लगू करूं बेनती, कोई संत मिले बड़ पागी, संत जना मिल पाई हो सच्चा नाम संभाल, तो सा बंदो जीव को एथे उत्ते नाल। तो पूरे संत की पहचान क्या है, ये आपको बता देते हैं। आगे मस्ताना जी के पास है, कोई 3-4 आदमी आ गए। वो कहने लगे जी हमने मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए चंदा दो। मस्ताना जी कहने लगे चाय पानी पियो फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली। मस्ताना जी कहने लगे कि जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, तुम्हें मंगते बना दिए, वो तुम्हें क्या देगा? निरंकार जो रहा समाए काहे भिक्षा मंगन जाए, जिसके अंदर मालिक आया है उसको मांगने की जरूरत क्या है? जब वो मांगता है तो मालिक आया ही नहीं है, वो तो मंगता है खुद है। दादू साध प्रीखी अंतर आत्म देख, मन में ही माया रहे आपे आप लेख, उसके माया माया कुछ और भी है। सदगुरु मेरा बेमोहताज ताकत है, वो किसी का मंगता कैसे हो सकता है? वो सबको जिंदगी देने वाला है, सबको रोजी देने वाला है। हाँ जी, वो दाता है, वो क्या दात देता है? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देता है। वाणी में लिखा है संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावा संतन का गुरु प्रसादी तरिए। मालिक के हुक्म का वो जो सिमरन बताता है, वो इसके अंदर अपनी नजर से जुबान से वो नाम का इंजेक्शन कर देता है। जब तक वो इंजेक्शन नहीं होता, वो नाम का बीज डाल देता है। हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये बीज डालने फसल नहीं होती, बेरी है, उसके पेम ना चले पेमली बेर नहीं होते। जब तक जिंदा संत मिले, उसके अंदर नाम का बीज ना डाले, सिमरन ना बताए, कोई चीज भवसागर से पार हो ही नहीं सकता। वो जो दात देता है त्रिलोकी में, इससे बड़ी कोई दात नहीं है। हाँ जी, सच्चा साधु दाता है, मांगता नहीं, वह निष्काम भाव से दुनिया का उद्धार करता है। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है, निष्काम भाव से। वो हमसे कोई गर्द नहीं रखता, जो गर्द रखता है वो फकीर ही नहीं है। समस्त व्रज ने लिखा है कि मेरा इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता। सोचो, जो मालिक की दरगाह में पहुंच गया है, वहां का आनंद ले लिया है, बंधनों से आजाद हो गया है, मालिक के साथ मिल गया है, वो यहाँ क्यों रहना चाहेगा? ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है, इसके स्वाद भी झूठे हैं। वो इन स्वादों का मान बढ़ाई का गुलाम नहीं होता,
सुमतो ने कहा कि मेरा दुनिया में रहने को दिल नहीं करता, पर वो मेरा प्यारा है, उसका हुक्म है, उस हुक्म को मैं टाल नहीं सकता। ये गुरु गोविंद सिंह लिखा, दोते एक रूप भयो, चेतना भयो अमरो आवन को, जो त्यो हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। वे मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने जो तक मुझे भेजा कि तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जे। तो फकीर मालिक के हुक्म से दुनिया में रहते हैं, वो हमसे कोई गर्ज नहीं रखते। हाँ जी, वह निष्काम भाव से दुनिया का उद्धार करता है, अपनी शिक्षा सबको मुफ्त देता है, उसके बदले में कोई फीस नहीं लेता। वह दुनिया के भरोसे काम नहीं करता, मालिक के भरोसे काम करता है। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है। वो दुनिया के भरोसे काम नहीं करता, वो मालिक के भरोसे काम करता है। जैसे में आवा खसम की वाणी तेसरा करे ज्ञान में ला लो, जो उनके हुक्म आता है उन्हें बता देना है। सोचो, गवर्नमेंट या नौकर भेजती है, अफसर भेजती है, दफ्तर बना के देती है, जिपें कारें देती है, कागज पेंसिल देती है, सब कुछ इंजाम करके भेजती है, वो कंगाल गवर्नमेंट है। वो अपने संतों को सब कुछ देकर भेजती है, वो आप में बेमोहताज है, अपने संतों को भी बेमोहताज रखती है। हाँ जी, मालिक उसे ऐसा खजाना बख्शता है जिसको ना चोर चुरा सकते हैं और ना खर्च करने से खत्म होता है। हाँ, संतों के पास है, कौन सा खजाना है? ये नाम का। वह नाम को सब ताकत को अंदर प्रकट किया है, बाकी क्या रह गया? गुरु इंसान लिखा है, जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारज ध्यान दे रास, तिन चौकी मोहताजी लोकन के, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। के जिनके अंदर नाम आ गया, उनके सारे काम रास आ गए। तिन चौकी मोहताजी लोकन के, वो लोगों का मोहताज नहीं होता, लोग उसके मोहताज होते हैं। हर प्रभ अंग कर बैठा पास है, मालिक उसके पास बैठा है, उसकी हर तरह से मदद करता है। जो मालिक आगे बाकी क्या रह गया? तो संतों के पास ये नाम का खजाना है। मीरा ने क्या पायो, रे नाम रतन दिन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कम है सो धन मन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़ समायो, जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। जिस पर ऐसा खजाना है, वो दुनिया के पीछे क्यों भागता फिरेगा? मान मिठाई के पीछे क्यों भागता फिरेगा? धन के पीछे क्यों भागता फिर? तो धन के पीछे भागता फिरता है, मान बढ़े के पीछे भागता फिरता है। भाई मेरे चेले घटना हो जाए, मैं जरा जरा कट दिखाऊं, वहां मालिक नहीं है। वो तो मालिक के हुक्म से अपना प्रचार करके चल गए। हाँ जी, एक ऊंचे चरित्र का मालिक होता है। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है, ऊंचे चरित्र का मालिक है, जो हमारी बीबियों की तरफ देखता है। हम उसके पैरों के हाथ लगाते हैं, पैरी पड़ते हैं, तो लानता है हमारे पर। इसका पता क्या लगे है? क्या उसकी सोबत करे, चंगी तरह तसल्ली करे। ये आप ही कामी क्रोधी अहंकारी है, हमारे अहंकार कैसे निकालेगा? आप ही बंधनों में हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा? बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। संत वजन शांति ली है, जो रोहानी मंडलों में जाता है। कबीर लिखे, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में सो सो बार। वो बैठे और गया, हम तो सारे बंधनों में कैद हैं। हाँ जी, मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होता है, उसका मन शांत और स्थिर रहता है, और उसमें संसारिक इच्छाओं तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगे नहीं उठती। हाँ, हमारे अंदर लाखों तमन्ना ही है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज्यादा और हवा से संत है, मालिक की मौज में रहते हैं। वे माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, जो पावे तो रख ले। हाँ जी, सब ताकतों का मालिक होते हुए भी दीनता और नम्रता से भरपूर रहता है। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है, सब ताकतों का मालिक होते हुए दीनता और नम्रता से भरपूर होता है। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, उन कब कहा मैं गुरु हूँ, कब कहा मैं संत हूँ, कब कहा मैं बाबा हूँ? क्या कहते हैं कबीर, हम सब ते बुरा, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मी तुम्हारा सोए। गुरु साहब पूर्ण ताकत थी, लोगों ने तते तोम पर बिठा दिया। मालिक उनके अंदर आया था, दुनिया को तबाह कर सकते थे,
मियाँ मीर कहने लगा जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने ये हाल कर दिया, आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूं। तो किसकी खड़काएगा, उनके अंदर मालक नहीं है, जो मालक करता है ठीक करता है, तेरा पाना मीठा लगे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया। तूने क्या कहा, हम क्या कहेंगे भाई, जिन्होंने सूली चढ़ा है उसको मौत की सजा दे दो। उन्होंने क्या कहा कि मालका जिन्होंने मुझे सूली चढ़ा है इनको माफ कर देना। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत थी, उनसे चक्कियां पिसवाई है, कबीर साहब को हाथी में कहकर डाला है, पलटू साहब को जिंदा फूका है, गुरु तेग बहादुर को शीश देना पड़ा, पर उन्होंने दीनता नहीं छोड़ी। हाँ जी, और सबका दास वह सेवादार बना रहता है। हाँ, मस्तानी का मस्ताना सेवादारी जोड़े चारने वाला। हाँ जी, आदर और मान के होते हुए निमाना बना रहता है, अकल के होते हुए किसी को अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से नहीं बल्कि प्रेम के बल से समझाता है। हाँ, वो प्रेम का भंडार होता है तो प्रेम से समझाता है। कबीर साहब ने क्या क्या कहा है, आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, बार बार जग में आवना नहीं हो। हमें दाता कहा है, राजा कहा है, मैं किसी तरह से बेचारे ये समझे इस जेल खाने से निकल जे। हाँ जी, उसके दिल में छल कपट फरेब और नफरत नाम मात्र भी नहीं होते। हाँ, ये पूरे संत की निशानी है, उसके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जहाँ छल कपट फरेब है वहाँ मालिक नहीं आया, मालिक तो पाक है, वो पाक बांडे में आएगा। जो हमारे से कपट करेगा छल करेगा वो हमें प्यारा कैसे लगेगा, तो उसके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। पता कैसे लगे कि उसकी सुबत करे, चंगी तरह तसल्ली करे। हाँ जी, और सब कौमों व धर्मों को बराबर समझता है। हाँ, वो सबके अंदर मालिक देखता है, उसकी वो तीसरी आंख खुली होती है। सब घट मेरा सैया सुनी सेज ने कोय, बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास सुमो पाई, नहीं कोई बरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, उधर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का कत्ल होने लगा, इधर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कत्ल होने लगा। महाराज सावन सिंह ने कहा भाई इनका कत्ल ना करो, ये सारे मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। क्यों कहा, वो सब के अंदर मालिक देखते थे। गुरु गोविंद सिंह के टाइम में मछीवाड़े का जंग चल रहा था सिखों में और मुसलमानों में, भाई कन्हैया की ड्यूटी थी भाई जो सिख फटड़ हो जाए उनको पानी पिलाना, वो सिखों को पानी पिलाता था मुसलमानों को भी पिलाता था। किसी ने आके गुरु गोविंद सिंह के पास शिकायत की, कह जी हम तो मुसलमानों को फटड़ करते हैं, ये पानी पिला के खड़ा कर देता है, कि बुलाओ उसको। भाई कन्हैया को बुलाया, कि क्यों भाई तू मुसलमानों को पानी क्यों पिलाता है। कह जी मुझे तो मुसलमान और सिख दिखाई नहीं देते, सब के अंदर तू दिखाई देता है, कि हमारी तालीम को इसने समझा है बाकी ने समझा ही नहीं है, तुमने लड़ाई क्यों की। वो पाप बहुत बड़ा था, जिस तरह कोई बच्चा है कोई गलत काम करे माँ उसको पीटती है, कोई चोट लग जाए तो अस्पताल में लेके जाती है, पर उनकी किसी से नफरत नहीं होता। हाँ जी, सब कहता ये हिंदू है ये मुसलमान है सिख है ईसाई है, जब सबके अंदर मालिक देख लिया ओहो सारे अपने हैं कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास समो पाई, नहीं कोई बरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। जहाँ देशों के झगड़े हैं, कौमों के झगड़े हैं, मजहबों के झगड़े हैं, ईर्खा है निंदा चुगली है, वहाँ वो चीज नहीं आई। जो चीज आ जाए अंदर शांति हो जाती है, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, और बिना किसी भेदभाव के सबको सांझा उपदेश देता है। प्रथा ईसा की महापुरुष बोल दे सांझे सकल जाने, उनका उपदेश सबके लिए है। ममसान का मेरा उपदेश सबके लिए है। हाँ जी, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ वर्णों का सांझा, गुरमुख नाम जपे उदरे कल में गटगड़ मांझा। गुरमुख क्या, गुरमुख किसको कहते हैं, गुरमुख जाता कर्म जाता जो बेचारे को शब्द पछाता, जिसने शब्द को प्रकट किया नाम को प्रकट किया वो गुरमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं, हम तो सारे मनमुख हैं। गुरमुख नाम जपे उदरे, वो जो सिमन बताया वो जपे फिर दुनिया से पार होता है, कल में गड़गड़ मन जा। सबके दिमाग देख लिया। हाँ जी,
और किसी को भेष या धर्म बदलने का उपदेश नहीं देता। हाँ, वो ये नहीं कहता भाई तुम सारे सिख बन जाओ, सारे ईसाई बन जाओ। ईसाई प्रचार करते हैं भाई सारे ईसाई बन जाए। जे सारे ईसाई बन जाए फिर क्या हो जाएगा? बीबी है, जे आदमी के कपड़े पहन ले आदमी बन जाएगी? आदमी है, बीबी के कपड़े पहन ले क्या बीबी बन जाएगी? बार देख माने से कुछ नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह ने देखो की इतनी काट की अब चित्र नाटक में, क्या जो जो देख सो तन में तारा है तेजन कछु न बिचारा। विचारते नहीं है, समझ लियो सब जन मन माही दिन मन में परमेश्वर नहीं। पाखंड करने से मालक नहीं मिलता। गुरु अमरदास ने लिखा पाखंड की ने जम नहीं छोड़ा है ले जासी पत गवाई। कबीर साहब के पाखंड में कुछ नहीं साधो, पाखंड में कुछ नहीं, पाखंड या अंदर भोग चुरासी खोज करो कटमाई। संगत को बरमा सकते हैं, लोगों को बरमा सकते हैं, पर जो मालक अंदर बैठा है उसको कैसे बरमाएंगे? तो वो कोई पाखंड नहीं करते, कोई बेख नहीं बनाते। वो ये नहीं कहते भी सारे सिख बन जाए, सारे हिंदू बन जाए, सारे मुसलमान बन जाए। उनका मतलब क्या है? सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, नाम जपना ये धर्म है। भाई नाम जप के अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपने देश पहुंचो, ये प्रयास इसमें फंसे पड़े। हाँ जी, नामों के अंतर धार्मिक वैर विरोध और कौमों की दुश्मनियों और लड़ाइयों से अलग और ऊंचा रहता है। हाँ जी, उसकी शिक्षा बिल्कुल सीधी साधी होती है, जो किसी विचार या कल्पना की उपज नहीं होती। हाँ, ये पूरे संत की निशानी है। वो जो भी कहेगा आंखों देख कर कहेगा, दादू देखा दीदा सबको कह सुनीदा। क्या मैं अंदर देख के कहता हूँ, लोग किताबें पढ़ के कहते हैं। कबीर साहब के पास है कोई पंडित है, एक बैल है, बैल के ऊपर शास्त्र लद के ले आया, मैं कबीर के साथ बहस करनी है। कबीर साहब कहने लगे पंडित जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे? मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज की लेखी। तू शास्त्र पढ़ के कहता है, मैं अंदर देख के कहता हूँ। हम विचार नहीं करते, ये सारे ग्रंथ शास्त्र अंदर से आए हैं। मोहम्मद साहब ने अभ्यास किया, जो कुछ अंदर देखा उन्होंने कुरान शरीफ में लिख दिया। गुरु साहबान ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिख दिया। सो ज्ञानी जिन शब्द लेवल लाई, उस शब्द को नाम को कलमे को उस वर्ड को प्रकट करना ये ज्ञान है। गुरु गोविंद सिंह ने नौवीं पातशाह की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करनी चाहिए। भाई की डोली में एक कोई प्रेमी था, उसके पास एक गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ थी। कोई आदमी भेजा भाई तू ये भीड़ हमें दे, इसमें नौवीं पातशाह की बाणी दर्ज कर ले। धीरू मल था उसका नाम। वो कहने लगा कहीं अपने आप को इतना समझता है तो गुरु ग्रंथ साहब आप तैयार कर ले। तो उन्होंने देख के अंदर देख के गुरु नानक साहब की बाणी, गुरु अमरदास जी की बाणी, फरीद की बाणी, रविदास की बाणी, कबीर साहब की बाणी सारी लिखा के गुरु ग्रंथ साहब तैयार कर दिया और नौवीं पातशाह की बाणी दर्ज कर ली। थी ना कोई ताकत है? उस ताकत को प्रकट करना ये ज्ञान है। सो ज्ञानी जिन शब्द लेवल लाई, जो पढ़ कर ले सारा कुछ आ जाता है। पूरे संत की ये निशानी उसे वो प्रकट किया है। जो वो चीज है तो फिर तो कोई चीज है, नहीं तो पाखंड है। हाँ जी, अपने आप को गुरु नहीं कहलाता और न ही अपनी पूजा करवाता है। हाँ, बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल पति की तरफ दिलाए, जो अपनी तरफ दिलाएगा वो तो लफंगा है। आत्मा फकीर वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, जो अपनी तरफ खींचेगा वो तो फकीर नहीं है, आत्मघाती महापापी। वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने आया, जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुंदर मिलाए। दोबारा बोलो, अपने आप को गुरु नहीं कहलाता। हाँ, अपने आप को गुरु नहीं कहता। एक गुरु है, एक चेला होगा, दूसरी तो पहले ही आ गई, जहाँ दूई है मालक नहीं आता। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, जिन्होंने घट नारायण लिखी है। उनका एक सत्संगी था रेवती दास, उसने पूछा क्या जी ये गुरु और चेले का क्या संबंध है? तो तुलसी साहब ने जवाब दिया कि रेवती दास सुनो तू भाई, या की विधि कहूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला। बोल पूरे संत मिल गए,
काल नजदीक नहीं आता। कोर्स तो करना पड़ता है, बगैर कोर्स किए कोई नहीं जा सकता, पर मौत के टाइम में काल नहीं आएगा। हाँ जी, कोट अपराधी संत संग उधर जमता कर निर्णय, जन्म जन्म का बिछड़ा अर्चू आन मिला। हाँ जी, अपनी शरण राख प्रभुता ते गुर प्रसाद कीन बिरले जाते। इस जन्म में तो कोई बिरला ही पार उतरता है, इसमें कई जन्म लगते हैं। मौली रूप ने लिखा है कि 100 साल में तो आदमी इंसान बनता है, और फिर 100 साल में आदमी मोमन बनता है, गुरमुख बनता है। इसका मतलब है कई जन्म लगते हैं, कई जन्मों के पीछे भक्ति होती है, उसको ही पूरा संत मिलता है। ते लंबा कोर्स है। हाँ जी, गुरु प्रसाद की न विरले जाते दर्शन दे चरण कमल है बसो मेरे मीता। गुरु के चरण है कहाँ, गुरु के चरण मेरे माथे। यह स्थूल दुनिया है, यहाँ स्थूल मन है। हम सिमरन करेंगे, ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, जड़ चेतन की गांठ खोलेंगे, आगे सूक्ष्म मंडल आ जाएगा। सूक्ष्म मंडल का केंद्र क्या है, सहज तल कमल है। फिर उससे ऊपर चलेंगे तो आगे कारण देश आ जाएगा। उसका केंद्र कौन सा है, त्रिकुटी है, वो काल का हेडक्वार्टर है। वहाँ हमारे सबके सिंचित कर्मों का स्टोर पड़ा है। उससे आगे जाएंगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। वहाँ का जो नूर है वो संतों के चरणों की तूर है। वहाँ संत गुरु के चरण है। ये वहां ख्याल टिक जे, वहां पहुंचे, फिर तो सारा कुछ ही हो गया। फिर तो काल के देश से निकल गया, फिर तो काल पर फतेह हो गई। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, नौ दरवाजे प्रगट कीना, दसवां खोल जाए जिन दिना, जहां कुफल राम मारा है। आगे से सुनना भाई, मान सरोवर बैठना ही अंसर मिलांसा हो जाए। वहां अमृतसर है, वहां मान सरोवर है, उसमें रूह स्नान करती है, रूह निष्कर्म हो जाती है। तेरे रूह की रोशनी 12 सूरज की है, 12 उगवे सूर एनिस बाजे अनतूर। हाँ जी, सुनो बिनो प्रभु मेरे नीता, चरण कमल वसो मेरे जीवा, चरण कमल वसो मेरे जीवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कराम होवे प्रभ मेरा। पंजाब में फिरोजपुर के फिरोजपुर जिले में एक बेगा वाले गांव है, वहाँ का नंबरदार है सावराम। उसकी बीबी ने यहाँ पूजे मने साहब से नाम लिया था, वो जगमाल वाली डेरे आया करती थी। उसके कैंसर हो गया, हम उसके पास गए, हमने उससे पूछा अभी तेरा क्या हाल है। वो कहती है मैं सिमरन करती हूँ, अंदर सतगुरु के दर्शन होते हैं। सतगुरु ये कहता है भाई ये तेरा कर्म है, कर्म काट ले, फिर तेरे को आराम से लेकर जाएंगे।
एक बार घर में सोई पड़ी थी, उसकी छोटी सी पोती रात को उठी, अपनी माँ को कहती है कि माँ कह के बाबा आया क्या चिट्टी दाढ़ी वाला, दादी को तो ले गया। दादी को देखा तो दादी चूड़ा छोड़ चुकी सी, उसका चेहरा वैसा पड़ा रहा, शरीर जल्दी नहीं अकड़ता, टट्टी पेशाब नहीं निकलता, जिसकी संभाल होती है उसकी ये निशानियाँ हैं। यहाँ हम लोगों को मरते देखो, तड़प के मरते हैं, चेहरा कड़ा पड़ जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है, शरीर जल्दी अकड़ जाता है, जिसकी संभाल होती है उसकी यही निशानी है, चेहरा कड़ा नहीं पड़ेगा, टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, शरीर जल्दी नहीं अकड़ेगा, कोई कर्म होगा सदगुरु पहले कटा लेगा, पर मौत के टाइम में खुशी खुशी जाता है। हाँ जी, नानक तो बाखबर मरते हैं। हाँ, मालिक के प्रेमी जिसको पूरा फकीर मिला है वो बाखबर मरते हैं, उनको पहले पता लग जाता है। हाँ जी, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है, वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। हाँ, प्रीतम के सामने मीठी मौत मरते हैं। हाँ जी, मुर्शिद उनकी गुप्त आँख खोल देता है। हाँ, गुप्त आँख, वो तीसरी आँख थर्ड आई, वो माथे के ऊपर है, वो हमारी सबकी बंद पड़ी है, बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। जो मालिक को देखने वाली आंख है वो जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है कि संत उसके डॉक्टर हैं, वो क्या दवाई देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं, वो सिमरन करेंगे, शीशा है उसमें मिट्टी चढ़ी है, मुंह दिखाई नहीं देता, हम साफ कर देते हैं, मुंह दिखाई देने लग जाता है, तो उस आँख पर मोतियाबिंद हुआ पड़ा है, वो सिमरन करेंगे वो मोतियाबिंद हट जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। तो बाहर की आंखों का डॉक्टर है, कोई नकली डॉक्टर मिल गया आंख फोड़ देगा, ये नकली संत मिल गया तो आंख नहीं बढ़ने की, ये संत पूरा है तो ऑपरेशन कर देगा। हाँ जी, मुर्शिद उनकी गुप्त आंख खोल देता है और मुर्शिदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शिद वाले लोगों की जान खवार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोड़ा छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है। हाँ, जब प्रेमी चोड़ा छोड़ते हैं, उसको पूरा फकीर मिला है, सतगुरु उसके सामने होता है। हाँ जी, उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी ना हुई होगी। हाँ, मौत के टाइम इतनी खुशी होती है, शादी के मौके पर ना हुई होगी, जो मौत के टाइम इतनी खुशी हो रही है और क्या चाहिए। हाँ जी, उनका सबसे मोह टूट जाता है। हाँ, जहाँ नाम आ गया वहाँ मोह नहीं रहता। निसार के पास है बड़ो पट्टी काम है, वहाँ की एक लड़की थी, वो अपने ससुराल गई, उसने पिजमने साहब से नाम लिया था, अभ्यास करती थी, उसके 3 महीने की लड़की थी, और उसकी सास को कहती है कि सास कि मेरे तो सतगुरु आ गया, तो मेरी तो तैयारी है। वो सास कहने लगी, तू सतगुरु के बेनती कर, तेरी लड़की छोटी है, 1 साल की उम्र और दे दे, कि लड़की जाए पहाड़ में, कि सतगुरु आया मैंने तो जाना है, तो जहाँ नाम आ जाता है वहाँ मोह नहीं रहता। हाँ जी, उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता, उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता, और नए आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ना मल मूत्र निकलता है, ना ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है। गंगानगर का एक हरिराम प्रेमी था, उसके बाप ने पुजमनी साहब से नाम लिया था, अपने घरवालों को कहने लगा कि भाई मेरा 1 महीना रह गया। वो लड़के की घरवाली कहने लगी, इसको बड़ा पता लगता है कि 1 महीना रह गया, जो 7 दिन रह गए कभी जितनी सेवा करनी है कर लो, मेरे 7 दिन रह गए। 7 दिन के बाद चोला छोड़ गया, हरी राम ने सारा बेड़ा इकट्ठा कर लिया, कह देखो भाई मेरे बाप का शरीर तो नहीं अकड़िया, कोई टट्टी पेशाब तो निकलिया, चेहरा देखो काला तो नहीं पड़िया, सबको तसल्ली करा गया, ये फकीर की सोबत करता रहे फिर पता लगता है। हाँ जी, काल व उसके दूत
उनके स्वीप नहीं फटकते। हाँ, जो कोई संत शरण के दागे तिनते काल दूर हो बागी, जम के जाल निकट नहीं आवे, मार्ग चाड़ अलग हो जावे। सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न हुई न वो दुख साए। ये पलटून कह लियो तुम्हारो नाम, ताई को बाल न बांके, खुले बंद सारे बंधन टूट जाते हैं, खुले बंद वे जाए तनिक जमदूत ने ताके, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन डराई, तीन लोग के बीच फिर ने आन दुआई। सच्चा सतगुरु सेव सच संभालिया, अंत खलोया आज सतगुरु अगे कालिया, पोने सके जम काल सच्चा रखवालिया। हाँ, बल्कि पहले से भी अच्छा व तेजस्वी होता है, उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता, काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते, बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास यमदूत नहीं फटकते, वे न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। चला के बोलो नानक याद है कि तुम मेरे से जुदा ना हो, मेरा ख्याल तेरे तरफ ही रहे। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, खिन पल विसरे स्वामी जानू परस पचासा, वे खिन पल के वक्वा पड़ जाए, 50 साल का वक्वा पड़ जाता है, हमें तो मालिक याद ही नहीं है। नामा के त्रिलोचना मुखते राम संभाल, हाथ पांव कर काम ही चेत निरंजन नाल, ये दुनिया के काम भी करने हैं, बगैर हक लाल की कमाई के मालिक की बंदगी होती नहीं है। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी वो बेजा बुनता रहा, रविदास पूर्ण ताकत थी, मालिक उनके अंदर आया था वो जुतियां गांठता रहा। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज का अर्जन देना पड़ता है। कोई ठगी करता है, हेराफेरी करता है, वो किसके साथ करता है, अपने साथ ही करता है, किसी के साथ नहीं करता। जो किसी का खाएगा तो देना पड़ेगा। महाराज सावन सिंह के टाइम में कोई साधु था, वो बाहर लोगों के घरों में खाना खाता था। महाराज कहने लगे कि तू सेवा नहीं करता, बाहर खाता फिरता है, इसका जाना देना पड़ेगा। जब मौत आई तो कहने लगे काले साहब मांगता है, हमने तेरे को पहले ही कहा था मेरे साहब देना पड़ेगा। ये कोई अफसर था, सरकारी अफसर था, सरकारी डंगरों में से चारे में से हेरा फेरी किया करता था। जब आखिरी टाइम आया तो क्या कहता है अपनी औरत को, कहता है काके की माँ मेरे गाय सिंह मारती है, मेरे भैंस सिंह मारती है, जब उनके चाय में से खाया करता है सिंह मारने। तो बगैर हकलाल की कमाई के माल की बंदगी हो नहीं सकती। काल खाए कुछ हथों दे नानक रात पछाने से, कृष्ति का टुकड़ा बुरा नो नो उंगला दांत, भजन करे ता उबरे नंत्र का डेंत, गुणा संग जिरत लगे कपड़ा जामा हो पलीत, जिरत पे मानसा तिनके अंदर मलचित, नानक नाम खुदा का दिल अच्छे मुखले, और दिवाजे दूनी के झूठे मलकरे, कपड़े के खून लग जे कपड़ा प्रीत जाता है, जो दूसरे का खून पीता है उसका हृदय पवित्र कैसे हो सकता है। मालिक तो पाक है, वो पाक मंडे में आएगा। जोगी हुआ जग बवा घर घर भिख्या ले, दरगाह लेखा मंगे किसकी उत्तर दे, घर बार छोड़ दिया भेख बना लिया, घर घर मांगता फिरता है, तो हिसाब देना पड़ेगा। गुरु नानक साहब जा रहे थे, एक ऊंट पड़ा था उसको कीड़े खा रहे थे। एक सत्संगी ने पूछा कि जी ये क्या है, कि ये नकली गुरु है, ये कीड़े ये इसके चेले हैं, पहले लूट लूट के खाता था, आज ये पट पट के खा रहे हैं, फिर ये हाल होता है। परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगे, जो आप खाएगा तो वो लुटेरा है, वो कोई संत नहीं है, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। लोगों को क्या पता है, तो अकराल की कमाई करे। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, अंडे खाने वाला मालक की बंदगी नहीं कर सकता। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो परत भजन में भंग, भांग माछली सूरा पान जो जो प्राणी खाए, नेम भरत तीर्थ किए सभी सतल, सब खत्म हो जाते हैं। फिरोजपुर के पास हामद गांव है,
वहाँ का एक प्रेमी था, बेचारा अभ्यास करता था, अपने रिश्तेदारी में गया, वो रिश्तेदार खान पीने वाले थे, उनके घर का आटा लेके रोटी खाई है तो उसका बुरा हाल हो गया। वहाँ डेरे में आया, मुनि साहब के पास आके रो पड़ा। मुनि साहब ने सारों को इकट्ठे कर लिए, कहा देखो भाई आम लोगों को क्या पता लगता है, जो अभ्यास करता है उसको पता लगता है वे कितना असर पड़ता है। यहाँ नब्बे का प्रेमी था, वो हर महीने डेरे जाया करते थे, अभ्यास किया करते थे, उनका परिवार अच्छा था, काम अच्छा चलता था। उनका कोई रिश्तेदार था इंग्लैंड से आया, उसको उन्होंने कमरा घर में एक कमरा दे दिया। वो खान पीने वाला था, घर में लड़ाई रहने लगी, सिमन खत्म हो गया, डेरा भूल गए, काम ठप हो गया। मुझे मैंने साहब को चिट्ठी लिखी, कह जी हमारा तो ये हाल हो रहा है। महाराज कहने लगे कह तुम्हारे घर में रहता कौन है, कह जी हमारा रिश्तेदार है, खान पीने वाला है, कह ये बीमारी है, जहाँ वहाँ शराब चलता है, नेगेटिव पावर है, वहाँ पूरा असर करती है। अब कई प्रेमी कहते हैं जी हमारे काम नहीं चलता, वो अंदर से हेराफेरी करते हैं, काम चले कैसे, मालिक तो पाक है, पाक बंडे में आएगा, किसी की निंदा ना करे, निंदा भले काओ की ना, मनमुख मुग्ध करण मुंह काले ते निंद का नर के घोर पवन। हम किसी की निंदा शुरू कर देते हैं, फलाना यूं है फलाना यूं है, अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरे को बुरा समझते हैं। अहंकार तो आ ही गया, जहाँ अहंकार है वो मालिक नहीं आता। मस्तानी कहा करते थे कि दूसरे में गुण देखे, भाई गुण क्या है, ओगण ना हम देखते हैं, ओगण भी उसमें ओगण क्या है। हाँ जी नानक कारवल ध्यान सतगुरु वल, हत कारवल दुनिया के काम भी करने हैं, ध्यान सतगुरु तो रखे। जग रहो जग से अलग रहो, जो जुगत की रीत, दुल्हन ग्रस्त राम कह लाए रहो दृढ़ प्रीत। घर बार नहीं छोड़ना, घर बार छोड़े बनता क्या है। राजा जड़ भरत बादशाह छोड़ के जंगलों में चले गया, वहां मृगनी आने लगी, मृगनी से प्रेम पड़ गया, वो मृगनी मर गई, उसके विवाह में वो मरा, फिर मृग बना, फिर फायदा क्या घर बार छोड़ने का। कैसे रहे जग रहो जग से अलग रहो, जो जुगत की रीत, दुल्हन भरोसा राम कह लाए रहो दृढ़ प्रीत। जैसे जल में कमल डाल मुर्गा ये निशाने, सूत सद भव सागर तरी नानक नाम बखाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, उड़ती है सूखे पैरों से उड़ती है, दुनिया में रहे ख्याल अपने मालिक की तरफ रखे। बीबियां पानी लेने जाती है, सिर पर गड़ा होता है, उबड़ खबड़ जगह होती है, सहेलियों से बातें करती है, ख्याल गड़े में रखती है। जहाँ हमारा लेना देना है वहीं जन्म होता है, जब तक लेने देने खत्म नहीं होते आगे जा नहीं सकता। जिसको दुख दिया है दुख लेना है, सुख दिया है सुख लेना है। गृहस्थ में रहते हुए ये सुख दुख लेने देने खत्म करते हुए अपना सिमरन करे, छुटकारे का बंदोबस्त करे। त्यागना त्यागन निका, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये त्यागने हैं। बैरागी वन में बसे, घर बारी घर माए, राम निराला रह गया इन दोनों में नाए। जिन प्राणी कर जाना है घर बन एक समान, घर माही बन जो मसे सोई सा सुजान। ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई भेख बनाना है, ना कोई धर्म परिवर्तन करना है। घर में रहते हुए हकलाल की कमाई करते हुए मालिक की बंदगी करके अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है, आसान से आसान तरीका है। हाँ जी नानक एक करे अरदास, जागत में सिमरन करे, सोवत में डिब लाए, सहजो एक रस्सी रहे, तार टूट न जाए। महाराज सावन सिंह जी पांच बजे दफ्तर से आते, आकर के उन्हें पांच मील पर गुफा बनाई थी, वहां जाकर बैठते अभ्यास करते। रात को 3 बज जाते, नौकर कहने लगा जी आपको, आप देर से आते हो, रोटी ठंडी हो जाती है क्या, हमारे किस्म ठंडी रोटी लिखी है गर्म लिखी नहीं है, बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलता, अभ्यास करना पड़ेगा। जिसको पूरा संत मिल गया, नाम मिल गया, उसकी मौत के टाइम संभाल हो जाएगी, पर ये अभ्यास करना पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो सुख से मंडलों में बिठा के सतगुरु कराएगा, यहाँ का एक दिन वहां के 1000 साल, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। आप पढ़
सूक्ष्म देश के हजार साल के वजन से अधिक अच्छा माना जाता है। हाँ, इस दुनिया का एक दिन का सूक्ष्म मंडल का हजार साल का एक बराबर है, एक एक मिनट कीमती है। कबीर ने कहा, कहता हूँ कि जात हूँ क्या बजाऊं ढोल, श्वास खाली जात है तीन लोक का मोल। एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है, जो सांस गया वो नहीं मिलने का। फिर सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, जब वापस उन्हें जाने लगा तो उसको बुखार आ गया। वेदों को नार दिखाई, वेद के वैद्य कहने लगे कि बादशाह सलामत है, आपका टाइम आ गया, कि मेरी माँ से मिला दो, मैं आधा राज दे दूंगा, कि मुश्किल है, कि सारा राज दे दूंगा, मांग के खा लूंगा, मेरी माँ से मिला दो, कि मुश्किल है। बोलो, वो मांगने से एक सांस नहीं मिलता, हम मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं, पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। हमें पता है पूंजी कितनी का, किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी बनी, कब टाइम आ जाए, कि जल्दी करो अपना काम करो। अपना काम क्या है, मालिक की बंदगी करना, जड़ चेतनी गांठ को नाम को पड़कना, ये अपना काम है। सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, सा संग इन हर जप्यो नानक दे परवाना। संतों की सोच में आगे से नाम जप लिया, नाम को पढ़ कर लिया, उसने इंसानी जामे का फायदा उठा लिया, नहीं तो ये इंसानी जाम बर्बाद गया। जो जीव सिमरन नहीं करता वो सतगुरु की नाराजगी लेता है, और ऐसी जीव की सफाई के लिए सतगुरु उसको हजारों साल सहज दल कमल अर्थात सूक्ष्म देश में रखता है। छिन छिन सूरत संभाल, सेकंड सेकंड है ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा कर, लार दर के रहो ख्याल यहाँ रखे, तन मन दर्पण मांझ, हमारे अंदर मैले भरी पड़ी है। कौन सी मैले हैं, तन के जरिए चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मन के जरिए फिजूल संकल्प विकल्प उठाते हैं, धन के जरिए ऐश्वर्य का सम्मान खरीदते हैं, विषय विकार भोगते हैं। सूरत जो मालक की तरफ लगानी थी जड़ पदार्थों की तरफ लगा रखी है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली ये सारी मैले पड़ी है, ये जाए कैसे है। परब के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए, जो सिमरन करते जाओगे ये मैले निकलती जाएगी। काम क्रोध पर हर पर निंदा लभ लोभ तुझे होए नचिंदा, पर हमका संगल तोड़ निराला हर अंत हर रस पाया, निज दामिनी जो चमक चिंदायन वेखे ऐ निज ज्योत निरंतर पेखे। जो सिमरन करेगा ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे, सीन संतोष क्षमा धीरे धीरे दीनता गरीबी आती जाएगी, इसको तसल्लियां मिलनी शुरू हो जाएगी, इसके अंदर ज्योत आने लग जाएगी, इसका मन काबू आने लग जाएगा, मालिक के दर्शन होने लग जाएंगे, अंदर शांति आने लग जाएगी। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, साधो भाई जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जो लड़का जिंदगी में बीए में मर कर कैसे हो जाएगा, क्या तुम अभी करो, जो करोगे तसलियां मिलती जाएगी। जहाँ बाहर रुकावटें अंदर भी रुकावटें हैं, बोले क्या बजदे नाद हजार, जिसके अंदर हजार आवाजें हैं, रेडियो के अंदर कलकत्ते की आवाज है, बम्बई की है, जलंधर की है, इंग्लैंड की सारी आवाजें हैं, इसके अंदर भी आवाजें हैं, ब्रह्मलोक इंद्रलोक शिवलोक सतलोक अनामे की, हमें कोई पता नहीं है कौन सी आवाज को पकड़ना है। वो संत है वो हर तरह से समर्थ होते हैं, वो अंदर गाइड का काम करते हैं, वो इसको सही आवाज पकड़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं, आगे त्रिकुटी का किला, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छूट से सहज मिले सुख होए, उसे आगे महासुन का देश है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, महासुन सिंध बिस्मी घाटे बिन सतगुरु पावे नहीं बाटे। ये संत पक्के दोस्त हैं, नाना के कचरिया सुन तोड़, ये बाहर के रिश्तेदार तो कच्चे रिश्तेदार हैं, ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, ये जिंदे बिछड़े और मुहर जासी छोड़, सज्जन से नाल में चल दिया नाल चरण, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। बोलो भी कौन सा हिसाब किताब है, तुम्हारे की दरगाह में जाके छोड़ेगा। हाँ जी, जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जी आदान दे भक्ति लाए, हर चू जन्म लाए। संत परोपकारी होते हैं, वो जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे, उनका किसी से बैर नहीं होता, कोई उनको लालच नहीं होता, कोई मन बढ़ाए के भूखे नहीं होते, जो भी कहेंगे हमारी भलाई के लिए कहेंगे, भलाई के सिवा कुछ नहीं कहते। हाँ जी, दर्शन दे
आवे उसकी मजदूरी खरी है, तुम बाती मार के बैठो, मालिक की दरगाह में हाजिरी लगेगी। हाँ जी, उनका जश कीर्तन करो और उनकी यादगिरी में रात को 2 घंटा जागो और 2 घंटा सुबह को जागो, वो तुम्हारे सब काम आप करेगा। हाँ, वो सब काम आप करेगा, करके देख लो। उन्हें कामों की चिंता है, मालिक की बंदगी किसी को चिंता नहीं है। ये बंदगी की चिंता करे और सारा काम करता फिरे। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी, क्या तू सिमरन करे और तेरी भी लाज रखेगा। हाँ जी, लीडर इलेक्शन में पूरा जोर लगाते हैं, पूरी बाजी लगाते हैं, लगाते हैं भाई हमारी जीत हो जाए। ये पलटू साहब क्या कहते हैं? हाँ, दोबारा बोल। अपनी ओर निभाइए हार परे की जीत। हाँ, अपनी ओर निभाइए हार परे की जीत, पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम। जे हारू तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। जे हारया तो राम को ही हारया है, जे जीत गया तो राम बन गया, दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ जी, हार परे की जीत, ताहे की लाज ना कीजिए। हाँ, ताहे की लाज ना कीजिए, पाप करता हुआ शर्मा, संतों की शोध करता हुआ सिमरन करता हुआ, मालिक की बंदगी करता हुआ, इसमें ना शर्मा। मन की क्या आता है, चित्त वे पाप ने आल खावे, बेसवा बजत कबू ना शर्मावे। सारा दिन मजूरी करे, हर सिमरन की बेला बजर सिर पड़े। वेश्या के बारे में सोचता हुआ ये शर्माएगा नहीं, मालिक की बंदगी करते हुए शर्माता है। हाँ जी, कोटन भये बेयार, कदम आगे को दीजिए। कोटन भये बेयार, जब करोड़ रुकावटें आए अपना हिम्मत ना हारे, कदम आगे को दीजिए। सोचो सिपाही बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बम पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है, पीछे तो नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि हम प्रलब्ध लिखा के लिए आए, पहले बनी प्रलब्ध पाछे बने शरीर, तुलसी अचर देखा मन नहीं तारे तीर। मन कोई द्वार नहीं है, जानवरों की तब देखो ना, कुछ बोते हैं ना कुछ काटते हैं ना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। मालिक उनको रोजी देता है, उनसे तू अच्छा है, तू अंदर बैठ है, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। कबीर मन निर्मल ब्याज जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, वो तेरा सारा काम करता फिरे। हाँ जी, कोटन भये बेयार, कदम आगे को दीजिए, तिल तिल लागे घाव, खेत से टरना नहीं। हाँ, दिल दिल लगे गाँव, खेत से टरना नहीं, सिपाही पीछे नहीं हटता, तू भी पीछे ना हट। हाँ जी, गिर गिर उठे समार, सोई है मर्द सिपाही। हाँ, गिर गिर उठे समार, सोई है मर्द सिपाही, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जे कोई गलत काम हो भी जे, फिर पछतावे, अवगुण छोड़ गुणा को ताओ, कर अवगुण पछता ही जियो। कौन से अवगुण है? ये काम करो लोग ओंकार छोड़े, सेल संतोष क्षमा धीरे दिन तरग भी धारण करे, ओगुण हो भी जाए तो फिर पश्चाताप करे। हाँ जी, लड़ लीजिए भर पेट, कान कुल अपने लावे। लड़ लीजिए भर पेट, पेट बगैर रोटी खाते नहीं खाते, के पूरी लड़ाई लड़। हाँ जी, लड़ लीजिए भर पेट, कान कुल अपने लावे, उनके उनके हाथ बड़न से सब बनावे। हाँ, उनके उनके हाथ बड़न से सब बनाओ, मालिक हर तरह से समर्थ है, ये आत्मा सतपुरुष की अंश है। कोई बादशाह का लड़का हो, किसी कैद में पड़ा हो, कि मैं फलाने बादशाह का लड़का हूँ, लानत है तेरे बादशाह के लड़के होने पर। ये आत्मा सतपुरुष की अंश है, ये काल के देश में प्राय देश में यहाँ कैद हुई पड़ी है। संत के चलो अपने देश, तेरा देश कौन सा है? सतलोक। तेरा धर्म क्या है? नाम जपना। तेरी जात क्या है? सतनाम। हमने यहाँ
बना, कब्बे बना लिए, यहाँ जात बना ली, यहाँ धर्म बना लिए, ये अपने देश बना लिए, इनकी लड़ाई शुरू कर दी। हाँ जी, पलटू सतगुरु नाम से साची कीजे प्रीत। हाँ, पलटू सतगुरु नाम से साची कीजे प्रीत, दिल में कपट ना हो, अर्ध्य सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ खुवार। हाँ जी, पलटू सतगुरु नाम से साची कीजे प्रीत, अपनी और निभाई है हार प्रे की जीत। जे दिल सच्चा हो तो मालक दूर नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के टाइम में भाई बिरला था, वो उनके दरबार में आ गया, कहे मैं सेवा करूंगा। गुरु गोविंद सिंह कहने लगे, कहे तलवार चलाना जानता है? कहे जी नहीं। कहे बंदूक चलाना जानता है? कहे जी नहीं। फिर क्या सेवा करेगा? कहे जी मैं गुड़साल के अंदर घोड़ों की सेवा करूंगा, और घोड़ों पर खरखरा फेरना, दाना खिलाना, जगह साफ रखनी, वो करने लगा। गुरु साहब ने अस्तबल में गए, देखे भी घोड़े बड़े मोटे ताजे हो रहे हैं। भाई बेले का बेला, तू कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। कह चलो तेरे को एक तुक बता दिया करेंगे, तू याद कर लिया कर। तो गुरु साहब उसको एक रोज तुक बता देते, रोज तुक याद कर लेता। एक बार सुबह सुबह गुरु गोविंद सिंह बाहर लड़ाई में जा रहे थे, घोड़े पर चढ़ने लगे, वो आगे आ गया। कह जी कोई तुक तो बता दो। तो गुरु साहब कहने, वाह भाई बेला, वक्त पछाने ने बेला, सारा दिन यही करता रहा, वाह भाई बेला, वक्त पछाने ने बेला। जो दूसरे साधु थे उन्होंने देखा, भाई आज ये कौन सी तुक याद करता है। गुरु साहब शाम को आए, दीवान लगा, एक साधु खड़ा होकर कहने लगा कि भाई बेले को आप कोई तुक बता गए थे? कहने हमने कोई तुक नहीं बताई, कि सारा दिन यही करता रहा, वाह भाई बेला, वक्त पछाने ने बेला। कैसे वक्त बेला नहीं पछाने, वो खट गया। तो ये दिल की सच्चाई पर है, हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ खबार, तोड़े पाव मिले रघुराई, सह सियाणपन लख होई इक ने चले नाल। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। अब मोहे जीवन पदवी पाई। हाँ, ये गुरु साहब का शब्द है। अब मोहे जीवन पदवी पाई के जिंदे जी मालिक की दरगाह में सतलोक पहुंच गया। अब मोहे जीवन पदवी पाई। हाँ जी, चित आयो मन पुरख विधाता, चित आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई, अब मोह जीवन पदवी पाई। हाँ, जीवन पदवी कैसे पाई? के संतों की शरण में गया, उनके हुक्म के मुताबिक भजन अभ्यास किया, जड़ चेतनी गांठ खोली, ब्रह्म देश से पार पार ब्रह्म में पहुंच गया। वहां जाके राज करना है, मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सदी निश्चल, माल हमारा अकुट विचल। वह हमेशा की बात यही है, ये बार की बात दो दिन की है। ये भी कह नहीं रहती, मस्तानी कहा करते थे कि हमारी बादशाही दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। ये बार की बादशाही एक जान की है और ये काम कायम रहने वाले नहीं है, पूरा जा रहा हूँ, इसकी चिंता है। वहां जाना की राज करना है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। रविदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को नाम, मैंने ऐसा शहर देखा है, वहां कोई कम नहीं है। दुख अंधो नहीं थे टाम, ना तस्वीर खिराज न माल, खौफ ने कथा तरस जवाल, वो खूब वतन गया पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई। यहाँ कभी बाढ़ आ गया, कभी भूचाल आ गई, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कभी कोई बीमारी आ गई, वहां कोई टैक्स लगाने वाला नहीं है, कोई वहां बीमारी नहीं आती, कोई भय नहीं है। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ। कभी ने कहा, मेरे मुँह से जाने सा दो ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ, कह सुन से नारा। हाँ जी, चीत आयो मन पुरख विधाता,
बिड़ाई होती है अपन। पूजमने साहब एक प्रेमी को कहने लगे कि ये नाम है बहुत आला चीज मिली है, तू अंदर बैठ के सिमरन कर, दुनिया तेरे दर्शनों को तरसेगी, कोई करके देख लियो, दो महीना अंदर बैठ के देख लियो। हाँ जी, जितना मुकाबला है उतना ही भजन है और कुछ नहीं। सो याद रखो, जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतना ही दुनिया तुम्हारी मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ, जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे, मन जीते जग जीत, मन नाल झगड़ा मन नाल सत, उतना तुम्हारी मिट्टी दुनिया आंखों पर रखेगी। हाँ जी। सो चलते फिरते उठते बैठते बोलते सिमट की तरह तराई रहे। हाँ, सिमट की तरह तराई रहे। पटियाला का एक क्लर्क था, उसमें सारे ऐप थे, मुझे मेरे हिसाब से नाम ले आया, उसने किसी को बताया नहीं, वो सिमरन करने लगा। 3-4 महीने के बाद लोग उसको कहते हैं, भगत जी क्या हाल है, आप तो बिल्कुल ही पलट गए, आपके हो क्या गया, ये करके देखे तो सही। हाँ जी। खुलिया कर्म, फिरोजपुर की एक बीबी थी, वहाँ डेरे आई, मेरे साहब से कहने लगी कि मेरा पति है, दोनों टाइम गुरुद्वारे जाता है, वाणी का पाठ करता है, पर संतों के पास नहीं आता। मेरे साहब कहने लगे उसका टाइम नहीं आया, उसके भाग्य उदय नहीं हुए, जब भाग्य उदय होंगे टाइम आएगा फिर संत मिलेंगे। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, पर अविनाशी कर्म में पाया। खुलिया कर्म कृपा भाई ठाकर, मेरे अच्छे कर्म उजागर हो गए, मालक की दया मेरे हो गई, मुझे संत मिल गए, कृपा करे पार ब्रह्म होवे साधु संग, जो जो ओ बधाइए त्यों त्यों हर शिव रंग, दोहा सिरा का खसम और दूजा ठाम, सतुल तूठे पाइए नानक सच्चा नाम, कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सो दिन गत पाए। कृपा कृपा कर प्यारे, गुर शब्दी हर रस पीजे। आए खोलिया तारम कृपा बैठा कर, कीर्तन हर हर गाई। ये बार का कीर्तन है, ये कितना प्यारा लगता है, 2 घंटे 2 घंटे है, इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, 24 घंटे जारी है। बोली रूम ने लिखा है कि वो सूरज देखो जो कभी छिपता नहीं है, वो कीर्तन सुनो जो कभी बंद नहीं होता। गुरुनानक साहब ने कहा, सोदर तेरा क्या सोगर क्या, चितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संका, कहते तेरे भावन आ रहे, कहते तेरे राग बरिश्यू कहिए, कहते तेरे गावन आ रहे, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तजबागे, गुरु निजाम की बेदुआई, कुसरों ने अंतर ले बुलाई। ये अंदर के बाजे सुन ले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल जे, नरक निवारे दुख हरे, टूटी अनेक क्लेश, बीच उठे जमते छूटे, हर कीर्तन प्रवेश। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे, गृह ताके बसंत गनी, जाके कीर्तन हर हर धनी, कले कीर्त सद पछाण, ए भक्ति चूके अभिमान, रोज पढ़ते आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया सतगुरु तो पाया, सह से तीमन बजियां बधाइयां, राग रतन परिवार पर ये शब्द गाउन आईया, उन्होंने तसल्ली की है, वो राग सुने है, उन्होंने आनंद लिया है, फिर उन्होंने लिखा है, हम पढ़ पढ़ के चले गए, विचार ही नहीं किया अभी वो आनंद लिया नहीं, वो कीर्तन सुना नहीं, अंदर जाओगे तो कीर्तन सुनोगे। हाँ जी, कृपा बैठा कर, कीर्तन हर हर गाई, श्रम था आए विश्राम,
प्रकट हो गया, महाराज की दरगाह में चले गया, सारी दौड़ धूप खत्म हो गई। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया, हर नाम हमारा भोजन, 36 प्रकार जित खाए हमको तृप्त भई। जिन नाम अंदर आ गया सारा कुछ ही आ गया, नाम मिले मन तृप्ति, नाम अंदर प्रण हो गया शांति आ गई। बिन नामे दीर्घ जीवास, जिन नाम को प्रणाम किया तेरे जीने पर लानत है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले दसे गुणतास, कोई गुरुमुख मिले वो नाम की तारीफ बताए, नाम को भड़कने का तरीका समझाए। हो तिस बिटो चौकनी नाम करे प्रकाश, उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसे नाम अंदर प्रकट करा दिया। हम वारे जियो वारे अमृत नाम हर मन बसावण्या, संत प्रसाद हर नाम त्याया, तब ते मन तावत तृप्ताया। श्रम था का पाए विश्रामा, श्रम था का पाए विश्रामा, मिट गई सगली ताई। देखिया रंग, देखिया रंग कुड़ाविया, दिसन सबे छार, हर अमृत बूंद सुहावनी, मेरे साधु पीवन हर। बारे विष्णु का स्वाद है फिक्का ही है, असली स्वाद कौन सा है नाम का। ये मन है ये लज्जत का आशिक है, बार कितनी लज्जते दो ये रजता नहीं है। नाम के अंदर ऐसी लज्जत है उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। परेशानी का फरीदा शक्कर खान नवात गुड़, माख्यो माजा दुध, सभ्य वस्तु मिठिया रब ने पुजन दुध। रसना हर रस पीजे अंतर बीजे, सास विचारी अंतर कूटा मत भरिया, शब्द काट पिए प्यार अपने हारी। जितने रस अनरस देखे जितने फीक फिकाने, हर का नाम अमृत रस चाख्या, मिन सतगुरु मीट रस गाने। हर रस का चाखी तू स्वाद, चाखत होए रहे विस्माद, ये नाम का रस आजे तो वह सारा कुछ हो गया, फिर ये मन काबू आएगा। हाँ जी, काम को लोभ फकीर की सोबत नहीं मिलती, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म नहीं हो सकते। श्रृंगनी सिंह 88,000 साल तप, प्राजी पूर्ण योगी हुए, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, रावण है 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। पहले वेदों को पढ़ना फिर उनका टीका करना, काम उनके क्या थे, पराई औरतें चुराई, काम तो नहीं घटा, फिर पढ़ने का क्या फायदा, तप करने का क्या फायदा। हम कोई काम करेंगे उसमें अहंकार आएगा, ये काम मैंने किया, इस अहंकार का इलाज क्या है। तो किसी गुलामी करो, किसकी गुलामी करेंगे, काम की गुलामी काम आएगा, क्रोध की गुलामी क्रोध आएगा, फिर किसकी गुलामी करेंगे, कि संतों की गुलामी करो जिनके अंदर मालक प्रकट है, फिर ये अहंकार जाएगा। काम क्रोध नगर वो परया, मिल साधु खंडल खंडा है। गुरु साहब के मुसनहारे पंच बटवारे, सुने नगर पड़े ठगारे, इन ते राखे मीत न पाई, इन ते राखे बाप न माई, दरबे सण पिए बस नहीं होते, साध संग ए दुष्ट बस में होते। संतों की सोच में जाकर के ये काम को लोग ओंकार बस में होंगे। सतगुरु सब अलंकर जन को सिख जाई, दादू पग पग काल है जहाँ जाए तक खाई, फकीरों के भजनों से परे होना काल के वाले होना है। पर कोई असूल तोड़ता भी है वो सतगुरु अंदर बैठा है, वो अंदर से डंडा चढ़ा के सीधा कर लेता है। जिसको नाम मिल गया उसको सतगुरु लेके जाएगा, पहले वो दीनता वाला बर्दाश्त वाला बर्दाश्त करता रहता है, फिर वो शक्ति पूरी करता है। अपन Thank you.
युगों युगों से पाप कर्मों और अवगुणों से भरे पड़े हैं। सतगुरु हमें बुरे कर्मों तथा गंदी आदतों से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करता है, ताकि हमारी आत्मा स्वयं प्रकाश से चमक उठे। अक्सर संतों के रूप में या उनके सत्संग में या किसी प्रेमी या रिश्तेदार के अंदर बैठकर हमें पाप कर्मों और गंदी आदतों को छोड़ने का इशारा देता रहता है और भजन सिमरन की तरफ लगाता रहता है। कई बार किसी ऐसे आदमी के अंदर बैठकर इशारा कर जाता है जिसको हम जानते भी नहीं होते। जब यह साधन असफल प्रतीत होता है तो वह कुछ कठोरता ग्रहण करता है और निर्धनता, दुख या बीमारी देता है। जो साधन व समय अनुसार उचित समझता है, प्रयोग करता है, उसका उद्देश्य यह होता है कि हमारी सब मैलों को दूर करके त्रिलोकी के पिंजरे से निकालकर चौथे लोक में पहुंचाए। कबीर साहब फरमाते हैं कि जैसे कुमार घड़ा तैयार करते समय ऊपर से चोटें देता है, परंतु अंदर से हाथ रखकर उसको टूटने से बचाता है, इसी तरह सतगुरु सिख के हृदय रूपी बर्तन को रूहानियत की ऊंची दौलत डालने के योग्य बनाता है। चल बस अब मोह जीवन पदरी पाई, अब मोह जीवन पदरी कहते हैं सद हजूर हाजिर है नाजर, वो हमेशा साथ है, हाजिर है वो और नजर आता है। कभी ने बयाद दोहराई कि वो दूर भी नहीं होता। हो गया ना तसल्ली सारी? हाँ जी, दोबारा बोल। हाँ जी, विधाता
शरदा सब पूरी ओए संत स्थान ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक यह संगत जो है यहाँ बैठी रहे। अभी सत्संग की समाप्ति नहीं हुई है।